विंडोज़ 11 में काफ़ी सारे बढ़िया फीचर्स हमें देखने मिले, बट उनमें से एंड्रॉयड ऐप का जो सपोर्ट वाला फीचर था वो बहुत ही तगड़ा लगा मुझे, क्योंकि बहुत टाइम से हम वेट कर रहे थे कि इंटरनली हमें सपोर्ट देखने मिले। हम बहुत टाइम से एक्सटर्नल एमुलेटर यूज़ करते थे, लाइक ब्लू स्टैक्स, ये वाले एमुलेटर हम जनरली यूज़ करते थे एंड्रॉयड ऐप्स को रन करने के लिए और एंड्रॉयड गेम्स को प्ले करने के लिए, बट माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज़ 11 में इंटरनल सपोर्ट है। तो इस वाले वीडियो में हम चेक करेंगे कि एक्सटर्नल एमुलेटर ज़्यादा अच्छा है एंड्रॉयड गेम्स को रन करने के लिए, या फिर विंडोज़ 11 का जो इंटरनल एप्लीकेशन सपोर्ट है, एंड्रॉइड एप्लीकेशन सपोर्ट, वो वाला ज्यादा अच्छा है। तो मैं एक एंड्रॉइड गेम रन करने वाला हूं एक्सटर्नल एमुलेटर में, ब्लू स्टैक्स 5 में यूज कर रहा हूं, और वही गेम को मैं विंडोज 11 में रन करूंगा और देखेंगे कौन सा ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस हमें दे रहा है। तो लेट्स स्टार्ट। तो स्ट्राइकर जोन में इंस्टॉल करने वाला हूँ, ये एक शूटिंग गेम है, इसको मैं माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से इंस्टॉल करूंगा विंडोज 11 के अंदर, और ब्लू स्टैक्स में इंस्टॉल करूंगा क्योंकि ब्लू स्टैक्स में इंटरनली प्ले स्टोर होता है, वहां से आप कोई भी गेम को इंस्टॉल कर सकते हो। बट एक चीज मैं क्लियर करना चाहता हूँ, ब्लू स्टैक्स 5 में आप काफी सारी चीजों को कस्टमाइज कर सकते हो, सेटिंग्स को कस्टमाइज कर सकते हो, लाइक आप मेमोरी मैनेज कर सकते हो, या फिर ब्लू स्टैक्स को आपको कितना परफॉर्मेंस देना है, मतलब कितने कोर्स देने हैं आपके सीपीयू के, वो भी आप डिसाइड कर सकते हो, बट विंडोज 11 में ये वाला फीचर नहीं है। तो जब मैंने इसे विंडोज 11 में रन किया तो मुझे बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देखने मिला, 60 FPS कॉन्स्टेंटली मुझे देखने मिल जा रहे थे और कहीं पर भी लैग नहीं देखने मिल रहा था, और गेम भी थोड़ा सा लाइट वेट गेम है, लाइट वेट भी नहीं बट मीडियम वेट बोल सकते हैं, हाई लेवल का गेम नहीं है ये। तो विंडोज़ 11 में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस देखने मिल रहा था, गेम प्ले बहुत ही अच्छा था, स्मूथ था और लिटरली एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। बट इसी गेम को जब मैंने ब्लू स्टैक्स 5 में खेला तो यार FPS सारे कमाल के थे, परफॉर्मेंस अच्छा था, बट वहाँ पर एक्सपीरियंस है जो गेम का वो अच्छा नहीं था। लाइक कई दफ़ा ऐसा हो गया था गेम के अंदर कि मैं सोच रहा था कि माउस हिल क्यों नहीं रहा है, तो मैंने सोचा यार ये ब्लू स्टैक्स 5 है, यहाँ पर की बाइंडिंग करना पड़ता है, तो छोटे छोटे गेम्स के लिए ब्लू स्टैक्स 5 यूज़ करना थोड़ा दिक्कत हो सकता है काफ़ी सारे लोगों के लिए। बट छोटे छोटे गेम्स विंडोज 11 में रन करना बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस दे जाता है, वहां पर आपको कुछ नहीं करना है, विंडोज 11 सारे सेटिंग्स को ऑप्टिमाइज कर देता है आपके लिए, जितने भी डिफॉल्ट माउस सेटिंग्स और कीबोर्ड सेटिंग्स है वो बहुत ही बढ़िया है स्मॉल गेम्स के अंदर। बट जब हम बिग गेम्स की तरफ बढ़ते हैं, लाइक पबजी या फिर BGMI, पहली बात तो वो विंडोज 11 में सपोर्टेड ही नहीं है, तो आपको वहां पर एक्सटर्नल एमुलेटर यूज करना ही पड़ेगा, और वहां पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि की बाइंडिंग आप खुद से कर सको, क्योंकि जहां पर बहुत सारे कंट्रोल्स बढ़ जाते हैं तब वहां पर कस्टमाइज करना बहुत ही जरूरी है। बट छोटे छोटे कंट्रोल्स के लिए यार मुझे नहीं लगता कस्टमाइज करना चाहिए, बट स्टिल विंडोज 11 और एमुलेटर दोनों में परफॉर्मेंस जो है वो टोटली सेम था, 19-20 का फर्क था, सिर्फ फर्क जो था वो एक्सपीरियंस का था। विंडोज 11 में छोटे गेम्स बहुत ही अच्छी तरीके से चलते हैं, अच्छा एक्सपीरियंस दे जाते हैं, जहां पर कंट्रोल्स को ज्यादा कस्टमाइजेशन नहीं करना पड़ता वो विंडोज 11 में बहुत अच्छी तरीके से चलते हैं। बट बड़े गेम्स जहां पर कंट्रोल्स बढ़ जाते हैं, लाइक पबजी, BGMI, COD, यहां पर कंट्रोल्स बहुत ही ज्यादा होते हैं, तो वहां पर कस्टमाइजेशन करना एक नीड होती है, तो उसके लिए एक्सटर्नल एमुलेटर बेस्ट है, वहां पर आप परफॉर्मेंस भी इंप्रूव कर सकते हो, मेमोरी मैनेज कर सकते हो। तो जितने भी छोटे मोटे और मीडियम लेवल के गेम्स है मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता कि आप एक्सटर्नल एमुलेटर में रन करो, आप विंडोज 11 में रन कर दो, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आपको देखने मिलेगा। प्लस जितने भी एप्लीकेशन है, लाइक प्रोडक्टिविटी वाली एप्लीकेशन है, व्हाट्सएप या फिर एडोबी स्कैन या फिर इंस्टाग्राम, नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, ये सारी चीजें भी आप विंडोज 11 में यूज करो, एक्सटर्नल एमुलेटर के थ्रू मत यूज करो। मतलब जितनी भी प्रोडक्टिविटी वाली एप्लीकेशन है, लाइक जहां पर भी आप स्ट्रीमिंग करते हो, ये सारे एप्लीकेशन, और जितने भी मीडियम लेवल टू लो लेवल के गेम्स है, वो आप विंडोज 11 में आराम से रन कर सकते हो। सिर्फ एमुलेटर आज के टाइम पे मुझे लगता है जितने भी हाई लेवल के गेम्स है, BGMI, पबजी, COD, ये तीन, या फिर फ्री फायर भी आप बोल सकते हो, इन गेम्स के लिए आप एक्सटर्नल एमुलेटर यूज कर सकते हो, वहां पर आपको ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस देखने मिलेगा। तो बस इतना ही था इस वाले वीडियो के लिए, अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और अगर आपका कुछ सवाल है तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, वहां पर कम्युनिकेट करना बहुत ही इजी हो जाता है, और हम नेक्स्ट वाले वीडियो में और भी कुछ इंटरेस्टिंग सी चीज करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए बाय।